यहाँ छपरा सारण की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और रविंद्र स्टेडियम में एकत्रित हुई पूरी छपरा की और सारण की महान जनता यहाँ पे उपस्थित है और ये हम मंच पे उपस्थित हैं सभी इंडिया महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ केवल हम अपील करने और पहला चुनाव में हमने कदम रखा यहाँ छपरा की धरती से और ये हम आप लोगों से आशा करते हैं और ये आप जो हमारी बहन बड़ी बहन जो रोहिणी आचार्य दीदी जो यहाँ से खड़ी हुई हैं आपका नेतृत्व कर रही है तो ये मेरे आप लोग से विनती है और खासकर हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि यह विनती है कि अपना कीमती से कीमती वोट जो है हमारी जो बहन जो रोहिणी आचार्य दीदी है उनको देने का आप लोग काम करेंगे। यही आपको कहने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं क्योंकि आगे और भी कार्यक्रम में जाना है तेजस्वी जी को तो सबको मौका मिले और चुनाव चल रहा है सब जगह पूरे बिहार में सब लोग हैं और इंडिया महागठबंधन को ही लोग देख रहा है। इतना गर्मी है और गर्मी के कारण भी लोग यहाँ पे उपस्थित है ये इस बात का है कि सब लोग इंडिया महागठबंधन को इस बार जिताने का काम करेंगे और 24-25 में इंडिया महागठबंधन के केंद्र में ही सरकार बनाने का काम करना है लोग। तो ये हम कहना चाहते हैं और सारे लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। रोहिणी आचार्य जिंदाबाद। छपरा का एमपी कैसा हो, छपरा का एमपी कैसा हो, आप वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए और वॉल्यूम। जयप्रकाश जी की जन्मभूमि कर्पूरी जी के संघर्षों और सपनों की धरती, मेरे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की कर्मभूमि तथा भिखारी ठाकुर जी की पावन धरा सारण को मेरा प्रणाम और सलाम। मेरे अभिभावक सारण के तमाम बड़े बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों को सबको गोर लगतानी। मंच पे उपस्थित मेरी माता राबड़ी देवी जी, ठीक कर दीजिए ना इसको ठीक कीजिए ना यहाँ पे रुकोगे। मंच पर उपस्थित मेरी माता राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के प्रति अटूट विश्वास और गरीबों के सम्मान और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहने वाले महान नेता और मेरे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, देश के युवाओं के चहेते मेरे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, जिन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी दिया, मेरे दल के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मुकेश सहनी जी, अखिलेश अंकल, अजीत शर्मा अंकल, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी और जो जो छूट गए हैं उनको प्लीज मेरे तरफ बोल दिए। तेज प्रताप यादव तुम पहले बोल दिए। जो जो छूट गए माफी मांग रहे हैं, लेकिन सब हाँ महागठबंधन
सभी का सभी नेतागण को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है, आज हम सभी सारण संसदीय क्षेत्र में विकास के नए सूर्योदय के लिए यहाँ इकट्ठित हुए हैं। मैं कोई भाषण देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ आपसे संवाद करने के लिए हूँ। इतने दिनों से घूम घूम कर मैंने क्षेत्रों की सभी समस्याओं को जाना, पहचाना और समझा है। मैं न किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और न ही नकारात्मक राजनीति करने के लिए यहाँ आई हूँ। विदेश के तमाम मौजूद सुख सुविधाओं को छोड़कर सारण को सुंदर, समृद्ध, आधुनिक और विकसित सारण बनाने के सपने को साकार करने सारण की जनता जनार्दन के आदेश, निर्देश और का सम्मान करते हुए अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी की कर्मभूमि में सबका सुख दुख बांटने आप सभी के बीच आई हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी हूँ। जैसे घर में मातृ शक्ति माँ बहन अपने परिवार जनों, भाई जनों, घर वालों का ख्याल रखती है, वैसे ही आपकी ये बहन बेटी आपके सुख दर्द में ख्याल रखेगी आपका। हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपको यानी जनता जनार्दन मालिकों को जिताना है। 15 अगस्त से नौजवानों को नौकरी देना है, गरीब को मुफ्त इलाज देना है, मजदूर को मेहताना देना है। रक्षाबंधन में बहनों को प्रति वर्ष 1,00,000 रुपया देना है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम देना है। माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा देना है। और इसके बदले मुझे बस दो चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ, सिर्फ दो चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ। मेरा वज कम क्यों? एक, आप सबका संपूर्ण साथ और दूसरा आप सबका अटूट प्यार। बस यही दो चीज कृपा आप अपनी बहन बेटी को दीजिए। मैं सौगंध खाती हूँ कि आपकी सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी और ये सौगंध है, वादे से मुकर जाए ऐसा ना हम लोग नहीं की। साथियों, केंद्र और बिहार में 10 वर्षों से ऊपर से लेके नीचे तक डबल इंजन की सरकार रही है। यहाँ के आदरणीय सांसद महोदय भी उसी सरकार में हिस्सा है, केंद्र में मंत्री भी रहे थे। इसी संबंध में मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 वर्षों के सांसद, उनकी सरकार के कारण क्या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया है? 10 वर्षों में उन्होंने आपके गांव को क्या दिया है? 10 वर्षों में सांसद ने आपके जिले और क्षेत्र को क्या दिया है? 10 वर्षों में सांसद ने आपके 10 वर्षों के सांसद ने आपके आपके अपने गांव के स्कूल को अपग्रेड किया है? 10 वर्षों में सांसद ने क्या आपके गांव में हॉस्पिटल अस्पताल बनाया है? 10 वर्षों में सांसद ने क्या जिला क्षेत्र में उद्योग लगाया है? 10 वर्षों में मौजूदा सांसद क्या कोई बड़ा निवेश सारण में लाए हैं? सांसद महोदय, कितनी बार आपके दुख दर में आपसे मिलने आए? 10 वर्षों में कितनी बार आए मिलने आप लोग से? शहर में नाली गली की हालत बेहद ही दयनीय है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? कोई ड्रेनेज सिस्टम लगाए हैं?
नाला नाली में जो पानी भरा हुआ है, केंद्र में मंत्री रहते स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात कही थी, क्या हुआ उस वादे का? क्या हुआ? जब स्किल इंडिया में थे लगाई वो यूनिवर्सिटी, सिताब दियारा को इन्होंने गोद लिया था, उस सिताब दियारा को भाई तेजस्वी ने अस्पताल बनाने का काम किया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इनका जवाब आपको स्वयं से देना है और इसकी तुलना आपको पूर्व के सांसद और मेरे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में किया हुआ जो भी काम है, जिन्होंने छपरा में रेलवे में दो दो बड़े बड़े कारखाने दिए, छपरा में यूनिवर्सिटी दिया, कॉलेज दिया, सड़क दिया, पुल पुलिया दिया, सहित हजारों करोड़ों के अनगिनत विकास कार्य किया, यहाँ के युवाओं को नौकरियां दी हैं, परम आदरणीय लालू जी को आप लोगों का असीम स्नेह और समर्थन लगातार मिला है, मैं भी ठीक वैसा ही प्यार और आशीर्वाद पाने में विश्वास के साथ आपके बीच आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने इस बेटी के ऊपर अपना पूरा प्यार आशीर्वाद उढ़ेल देंगे। हाथ उठा कर बोलिए, आप अपने इस बेटी बहन को साथ देंगे ना? सब कोई हाथ उठा करके बोलिए, आप अपनी बेटी बहन को साथ देंगे? मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा। आप लोग फख्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी की जैसी सांसद होनी चाहिए। हमारा सारण पूर्व की भांति देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक बार फिर अपना चमक बिखेरेगा। आपके प्रेम, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से सारण को विकास का उदाहरण बनाऊंगी। सारण बनेगा उदाहरण। मेरे साथ सभी कोई बोलिए, मेरे साथ आप सब बोलिए, सारण बनेगा उदाहरण, सारण बनेगा उदाहरण। आइए हम सब मिलकर कुछ नया बेहतर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सारण, धन्यवाद सारण, जय भीम, जय सारण, जय बिहार, जय इंडिया महागठबंधन। जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, अजीत शर्मा जी, जय प्रकाश नारायण यादव जी, उदित राय जी, जितेंद्र राय जी, सुनील सिंह जी, राम मनोज राय जी, सुरेंद्र राम जी, सत्येंद्र यादव जी, उर्मिला ठाकुर जी, श्रीकांत यादव जी, फारूक शेख जी, छोटे लाल राय जी, प्रेम शंकर राय जी, मुन्नी रजक जी, सुदय यादव जी, राम बाबू जी और सभी हमारे आरा के प्रत्याशी यहाँ हमारे माले के साथी बैठे हैं। आकाश कांग्रेस के महाराजगंज के प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन निशा भारती पाटलिपुत्रा की प्रत्याशी और हमारे बड़े भाई तेज प्रताप जी यहाँ बैठे हैं। समय कम है लेकिन महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, सभी लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, वीआईपी पार्टी के सभी लोग आज चुनावी
जनसभा नामांकन के कार्यक्रम में पहुंचे और दूर दराज से हमारी सारण की महान मतदातागण सभी बुजुर्ग अभिभावक के यहीं से गोर लगाता दी, सभी माता बहन के यही जैसे प्रणाम करता दी हाथ जोड़ करके, और हमारे युवा नौजवान भाई के यहीं से गला लगावता दी चुपचाप 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 भाजपा भगाओ भाजपा भगाओ। रोहिणी आचार्य जी, लालू जी ने सारण के मतदाता जनता के पार्टी के सभी नेताओं के राय से हमारी दूसरी नंबर की बहन जो दूसरे नंबर पर है पहली निशा भारती जी, इनको यहां से सारण से टिकट देने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता की कर्म भूमि पर जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है उससे भी आगे बढ़ करके हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। और आप लोगों को एक खास बात बता दे, हमारे परिवार में केवल हम ही दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। मेरा खून ओ पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है, बाकी लोग बी प्लस है। और हम सब लोग, और हमको जब खाना, माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी जब हम छोटे थे, तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलावली सर, भैया कौर ले लेकर के लड्डू बना बना करके दाल भात के खा ला बाबू, ना तो चिड़िया के ले जाए। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। तो आज ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, जेपी विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो, रेलवे स्टेशन को चमकाने की बात हो, रोड पुल पुलिया आरओबी की बात हो, सारे काम को लालू जी ने किया है। आज पूरे देश में रेलवे अगर चल रहा है तो पूरे देश का रेलवे का चक्का का कारखाना सारण में बनता है, ये लालू जी की देन है। काम तो अनेकों है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायके खरीद लिया बीजेपी वाला, हम कह रहे थे मेरा तो सीएमए का हाईजैक कर लिया सब। अरे हमारे चाचा जी पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान था, सम्मान करेंगे, पिता तुल्य है और हम आगे भी उनको इज्जत और सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, मोदी जी आते हैं क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अब तो हम चाहते कि हम अपने मुंह से हम क्या बोले, एक
क्या खाएगा? नहीं नहीं इसमें स्पीकर नहीं है। एक मिनट चुपिए। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार। शांति। अच्छा ये हम बाद में हम बजवा रहे हैं, यही बोले थे भाई बहनों मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेगा, मोदी आएगा तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा, मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? ये अभी डबल डेकर बन रहा है हम लोगों बनवाए, और जितना बाईपास अभी है अमनौर का, परसा का, गरखा का, रिवीलगंज का, ये हमने अभी अपने कार्यकाल में 17 महीने में हम लोगों ने देने का काम किया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस देने हैं, इनके बात पर विश्वास ना करके है, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाए हैं मोदी जी, इसको बिहार की जनता ढाने का काम करेगी, इनको उल्टा पैर वापस लौटाने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोग महान मतदाताओं से यही अपील है, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, चाहे अति पिछड़े भाई हो, दलित हो, सब लोग अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर के देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करना है। ये बीजेपी का लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। किसी माइक के लाल में दम नहीं है भाजपा के लोगों में कि हमारे संविधान को बदलते रखे। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में तो कुछ नहीं किया, आपने केवल हवाबाजी की, झूठ बोला, जुमलेबाजी की, अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप समझने का काम कीजिए। अब आपके जुमलों में, झूठ में सारण की जनता फंसने वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं है। एक बार यहाँ फिर से लालटेन जो है जलने का काम करेगा। लेकिन आप सब लोगों से, सभी नौजवान युवा साथियों से, बूथ पे टाइट रहने की जरूरत बा, एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का जरूरत है। अति पिछड़ा समाज में जाइए, दलित भाई में जाइए, अल्पसंख्यक भाई में जाइए, सबको जोड़ने का काम करना है। बताओ मेरा तेजस्वी का एक काम आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए, सभी गरीब सभी लोगों को जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? सबको सीने से गले से लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? जिस दिन आप ये काम कर लीजिएगा उस दिन हर बूथ पर लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। उसमें आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, इसके बाद भी हम लोगों का कार्यक्रम है। अभी हम लोगों को खगड़िया जाना है अलौली में, फिर आपको हाजीपुर वैशाली में, हर जगह कार्यक्रम है। हम 6 विधानसभा में आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ का हर एक एक नौजवान, रोहिणी जी आपके नेता नहीं बल्कि आपकी बहन है, आपकी बेटी,
बेटी और बहन बनकर के आप लोगों का सेवा करने का काम करेगी। लोग सब लोग चाहते थे हमारे पिता की कर्म भूमि रही, लालू जी की इच्छा रही कि अपना प्रतिनिधि जो है सारद को हम देने का काम करें। इसलिए सभी लोगों का राय मशवरा हुआ, सभी नेता लोग, सभी जनता लोग, कार्यकर्ता लोग गोकर मांग पर रोहिणी जी को लालू जी ने टिकट देने का काम किया है। आप सब लोगों को बता दें और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को लाज रखना है, आप सब लोगों को सारण सीट को जिताना है। और यहाँ से लगातार जो लोग जीतते गए लोग हवा हवाई लोग हैं, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है, खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग कि मोदी जी को वोट देगा देख के, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो लायक नहीं है। जब कहते रहे कि मोदी जी के लोग देख के वोट करी कि हमारा रूडी जी के, जब रूडी जी बोल रहे हैं यानी खुद ही मान रहे हैं कि वो सक्षम उम्मीदवार नहीं है, तो मोदी जी कोनो जो लोग कहता है कि मोदी जी को ऊपर देख के वोट देखो दो, तो मोदी जी नीचे गरीब के देखे ले तो केवल पूंजीपतियों के देखते हैं, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, हवाई जहाज हवाई अड्डा बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, सब बेच देने वाले, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी का, राहुल जी का, येचुरी जी, डी राजा जी, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, स्टालिन जी का, हम सब विपक्ष का सरकार बनेगा तो तेजस्वी ने 5 लाख बिहार में नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी का व्यवस्था करके आ गए। प्रक्रिया धीरे है लेकिन इन लोग अभी दबा करके बैठा हुआ है। सब विभाग में नौकरी निकलवा करके आए हम, 5 लाख नियुक्ति पत्र दिलवाए तो चाचा जी पलट गए तो 3 लाख और करा करके आए, बाकी है वो भी निकालना है, हम लोग लड़ेंगे वो भी निकलवाएंगे। लेकिन इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हुई, 4 साल के कोई ठेका पर हो, 18 साल में ज्वाइन कर 22 साल में रिटायर कर जाए, मुछू नायल की रिटायर हो जाइए हो। जो भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही होगा। ये अग्निवीर योजना में कहा अरे भाई इसमें शहीद है हमारे भाई तो शहीद के दर्जा ना मिली, पेंशन ना मिली, इसमें कैंटीन के व्यवस्था सुविधा ना मिली, मेडिकल की व्यवस्था ना मिली। इसलिए अग्निवीर योजना के हम लोग समाप्त करें और जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस बा उनको हम लोग जो है शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। पहले जैसे रेलवे में बहाली निकलता था, बताओ 7-8 साल में कौन सा बहाली आया जी रेलवे में? लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, हर बजट में किराया कम किए, भाड़ा कम किए। लालू जी के जमाने में रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपया था, अभी 50 रुपया हो गया। लालू जी कारखाना दिए, गरीब रथ चलवाए, एसी में गरीब सफर कर पाए वो भी चलाने का काम किया लालू जी ने। कहार भाई लोग के लिए कूलर चलो दिलवाने का काम किए रेलवे में कूलर, ताकि उनका घर गृहस्थी जो है चलता रहे। लेकिन लालू जी को फंसाया गया, हमने लोग फंसाया गया, केस मुकदमा किया गया, तो लालू जी कभी भी भाजपा के आगे डरे नहीं है ना झुके हैं। लालू जी जब नहीं डरे तो उनका लड़का लड़की भी डरने वाला नहीं है। गरीब की लड़ाई को लड़ेंगे, गरीब के अधिकार को दिलाएंगे, सभी वंचित शोषितों को मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करेंगे।
तो आप सब लोगों को बता दे कि इंडिया का सरकार बनेगा तो आने वाला रक्षाबंधन को साल में एक बार गरीब बहन के 1,00,000 रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कह के आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इतने गर्मी में भी धूप में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब हम लोगों के मालिक हैं और आप सब लोगों से यही अपील है कि इस बार मौका चूभना नहीं है। जब तक मशीन वोट पूरा पर ना जाए तब तक बूथ से हिलना नहीं है। तो जिताना है ना। आदरणीय लालू जी को आश्वस्त कीजिए दोनों हाथ उठा करके, तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा ना। और आज हम लोगों के साथ सैकड़ों में जो साथी जो है वो शामिल होने वाले हैं, वीरेंद्र शाह मुखिया जी, मुन्ना कुमार जी, विद्यासागर विद्यार्थी जी, जयप्रकाश शाह मुखिया जी, अनिल शाह जी, कृष्णा शाह जी, लक्ष्मण शाह जी और उनके सभी साथी जो हैं आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। हम आ करके आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। तो ए रुक जा यार, रुक जा भी। देखा भोजपुरी के शेक्सपियर तो भिखारी ठाकुर रहलन, हमनी के गाना वाना ना आवेला लेकिन ठीक ठाक गुनगुना लेली हा कि ना। तो मोदी जी के लगाए के बा, मोदी जी का जो असल चेहरा बा, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम ऐसा ना देखनी हो। तो पूरा बिहार के जनता, देश के जनता कहाँ कहता कौन गाना गाता, गोविंदा के मूवी बा गाना हो हमारा सगे गाय के बाद तबे हम गाए जोर जोर से गाय के बाद ताकि प्रधानमंत्री सुनिए। अरे तुम तो के बाज हो वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके बहुत बहुत धन्यवाद। सारण की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और महाराजगंज से आकाश लड़ रहे हैं, इनको भी आप लोग नौजवान को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सुप्रसाद जी, हम आग्रह करते हैं कि आए और बेटी रोहिणी को आशीर्वाद दें। सभी मतदाता भाई और बहन, कितने लू में कड़कड़ाती धूप में आप इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सब लोगों को
धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अजू गुरु बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है, इसके लिए हम सब लोगों को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। बेटी रोहिणी आचार्य को लगातार आपके बीच में काम कर रही है, भारी मत से जिताना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हम लोकतंत्र संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों को ये उनके हक को छीनना चाहता बीजेपी। आप सब लोग इकट्ठे रहिए, काफी धूप है, काफी लोगों ने समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला, लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला, कलकत्ता चलो, सारण जिला हमारा कर्म भूमि है। सारण के लिए हमने बहुत काम किया है, रेल का कारखाना, फैक्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, मढ़ौरा में इंजन का कारखाना, ये सब काम हुए हैं। आप जानते हो, आप काफी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं, हम आपके बीच में यही हैं। बोलिए, रोहिणी आचार्य को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? तो हाथ उठा, हाथ उठाकर आप कहिए। पासी हमारे पासी, पासी समाज के बहुत हमारे लोग हैं, आप सरकार लाइए, पासी भाई के समस्या दूर करें, समस्या को हम दूर करें। पासी भाई आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। सभी लोग मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिए, छपरा का सांसद कैसा हो, छपरा का सांसद कैसा हो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम वीरेंद्र शाह जी से बैस समाज की ओर से आग्रह करते हैं कि आप ये फूल से हमारे लीडर को सम्मानित कीजिए।